अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास साहिद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कायद बिलाज को और इकबाल बिलाज को। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव साबित होगा। जैसे ही हम कायद बिलाज में इंटर होते हैं, इंटर होते साथ ही हमें गुलाम दस्तगीर रोज पार्क देखने को मिलता है। मेरी सराउंडिंग में आप जितनी ये लश ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ये सारा पार्क का एरिया। हम बात करते हैं कायद बिलाज के साइज की। कायद बिलाज के साइज पे अगर हम जाते हैं तो हमें 200 स्क्वायर यार्ड का विला है, ये 3 बेड अकोमोडेशन देखने को मिलता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशेंट 2 में ही इकबाल विलास की ऑन साइड लोकेशन में, ये भी हमें 3 बेड अकोमोडेशन के साथ देखने को मिलते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रीसेंट 2 कायद विलाज और इकबाल विलाज के सेंटर में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स दिया गया, जहाँ पर बाईसाइकिल का ट्रैक, ओपन जिम और क्रिकेट के लिए ग्राउंड बना के दिया गया है, फुटबॉल के लिए ग्राउंड बना के दिया गया है, बास्केटबॉल के लिए एक कोर्ट बना के दिया गया है, वॉलीबॉल के लिए एक प्रॉपर कोर्ट बना कर दिया गया है। ये सारे ऑप्शन जो मैंने आपको बताएंगे टोटली सारे स्पोर्ट्स के लिए टोटली ऑपरेशनल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशेंट 2 के फैसल से मार्ट की लोकेशन पे, जहाँ पर हमें ग्रोसरी स्टोर, वेजिटेबल्स और क्रॉकरी स्टोर के रेलिवेंट हर चीज़ इजीली मिल जाती है। जैसे पेशेंट 2 की गैलरी में आप इंटर होते हैं, हमें राइट साइड पे एटीएम का ऑप्शन देखने को मिलता है और साथ ही इंटर होते साथ ही हमें स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, बुक शॉप और इसके अलावा मिल्क शॉप, नान शॉप और बेकरी की ऑप्शन, जो ये सारी शॉप्स हैं टोटली यहाँ पर ऑपरेशनल हैं और जरूरियाती ज़िंदगी की तमाम चीज़ें हमें गैलरी से बआसानी मिल जाती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद रफ़ी में, जो कि पेशेंट 2 के गैलरी के बिल्कुल साथ है। इस तर्ज की मस्जिद हमें बहुत से अरब ममालिक में देखने को मिलती हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, दुबई, मस्कत या ओमान में हमें इस तर्ज की मस्जिद देखने को मिलती है। इस वक्त मैं पेशेंट 2 का जो एक बहुत ही खूबसूरत एक और पार्क है, जफर मोरिंगा पार्क की लोकेशन पर मौजूद हूँ। हमने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी कायद विलाज की, अब कायद विलाज के हम करंट मार्केट की बात करते हैं तो आज की मार्केट में हमें अक्टूबर 2023 में कायद विला 2 करोड़ 20 लाख मिनिमम से स्टार्ट होकर 2 करोड़ 50 लाख या 60 लाख कैटेगरी वाला विला हमें मिल जाता है। अगर हम रेंटल वाले ऑप्शन पर जाते हैं तो रेंट पर हमें एक कायद विला 55,000 यानी 55,000 मिनिमम से लेके 65,000 या 70,000 रुपये कैटेगरी वाला विला हमें मिलता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इकबाल विलास को। इकबाल विलास की आज अगर मार्केट में हम एक इकबाल विला ख़रीदने जाते हैं तो हमें वो मिनिमम 1 करोड़ 65 लाख, क्योंकि चांस डील पे हमें 1 करोड़ 60 लाख पे भी मिल जाता है। अगर मैक्सिमम पे जाएंगे तो वो हमें 1 करोड़ 80 लाख या 1 करोड़ 90 लाख में कैटेगरी वाला विला देखने को मिलेगा, जिसमें कॉर्नर, एक्स्ट्रा लैंड वाला वेल मेंटेड विला हमें देखने को मिलेगा। अगर इकबाल विला हम रेंट पे लेने जाते हैं तो आज की मार्केट में हमें मिनिमम 45,000 यानी कि 45,000 मंथली रेंट से स्टार्ट होके मैक्सिमम 50,000 या 55,000 पे एक इकबाल विला हमें मिल जाता है। अगर पेशेंट 2 के रेलिवेंट इकबाल विलाज या कायद विला के रेलिवेंट आपकी कोई भी क्यूरी, आप विला सेल करना चाह रहे हैं, बाय करना चाह रहे हैं या रेंटल ऑप्शन पर जाना चाह रहे हैं, तो देखते रहिए अरकम एसोसिएट। अल्लाह हाफिज़।